हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज एक खास वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द क्रिसमस डे आने वाला है और उसके बाद जस्ट नया साल आने वाला है, तो बहुत ही जरूरी है ये वीडियो। आप जरूर वीडियो को देखें, कैसे रेडी किया है आज आप सीख जाएंगे। तो इसका मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसके बाद ये जो सारे हैं इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल यू से, ठीक है। और इसमें जो फॉन्ट यूज हुए हैं ये सारे के बारे में बताऊंगा आपको, फॉन्ट कहाँ से मिल सकता है। तो अभी इसको मैं पूरा जो फाइल इसके अंदर पावर क्लिप किया हुआ है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन सबको मैं अलग उठा लेता हूँ, ठीक है। ये है इमेज हमारे पास, आप देख सकते हैं अभी सारा मैटर हमने अलग कर लिया, और ये दो इमेज इसमें लगी थी ये भी मैंने अलग कर लिया है। और अब इसको बनाएंगे, ये इमेज आपको फुल दिखा दूँ, ये जो है ओपेसिटी इसके कम है तो इसको मैं फुल कर देता हूँ। क्रिसमस डे पर ये इस तरह के पेड़ जो लगाए जाते हैं उसका इमेज है ये। तो अभी हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखिए यहाँ पे मैटर को टाइप कर लिया है पहले से। अगर मैटर टाइप नहीं करते तो आपको बहुत समय लग सकता है वीडियो में। तो अभी हमने यहाँ पहले से मैटर को टाइप कर लिया है, मैं मैटर को इधर रख देता हूँ और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक पेज बन जाता है इस तरह से। और उसके बाद इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ मैं, अभी हम यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद में इसको हमें इसमें पावर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इसको पावर क्लिक करेंगे, इसके लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको ट्रांसपेरेंस बना लेंगे थोड़ा हल्का सा लाइट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 95 कर देता हूँ, 95 और एंटर, ठीक है। इतना हल्का सा दिख रहा है, अब इसको हम इसमें पावर क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे पावर क्लिप हो गया है, आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, पावर क्लिप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, अब ये हमारा जो है बैकग्राउंड बन गया, इसी पे ये सब सेट करेंगे। इस फॉन्ट का नाम है AMS आदित्य, आप देख सकते हैं यहाँ पे आदित्य, ये भारतीय हिंदी फॉन्ट है सारे ये सब। ये आप अपने इंटरनेट से कोई सा भी यहाँ पे स्टेटस लगा सकते हैं नया साल का, और ये जो है मिल जाता है आपको क्लिप आर्ट यहाँ पे। उसके बाद में आपको एक अच्छी सी फोटो लेना है और यहाँ पे सेट करना है, और इसका लोकेशन और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। आप वेबसाइट अगर चलाते हैं तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने कैसे बनाया है, ये मैं यहाँ पे एक सर्कल लिया हूँ और इसमें शैडो डाल दिया है, करके दिखा देता हूँ। सर्कल लिया और इसमें शैडो डाल दिया, ठीक है। इसको पहले हम व्हाइट कलर से कलर कर लेता हूँ, उसके बाद ड्रॉप शैडो का यूज करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये सर्कल बन जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर और इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सी करेंगे ई करेंगे, तो ये पेज के बीच में हो जाता है। और इसके बाद इसको हम पेज अप कर लेता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा। और सेम इसी तरह से ये भी शेडो डाला गया है, तो इसमें आप इसको कर सकते हैं शिफ्ट प्लस पेज अप से इसको ऊपर कर लेता हूँ। और यहाँ पे वेलकम लिखा था, वेलकम भी आप लिख सकते हैं या न्यू ईयर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अभी मैं यहाँ पे इसको बारी बारी से सेट कर देता हूँ। और इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल के साथ। फ्रेंड्स, ये इस तरह से जो है यहाँ पे रेडी हो गया है ये।
मैंने इसका बैकग्राउंड कैसे बनाया और इसमें शेडो कैसे दिया। और यहाँ अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कलर, दो कलर दिए गए हैं, ये ग्रेडियंट कलर हैं। और यहाँ पे इसको इंटरेक्टिव फिल टूल से आप बना सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और इसमें कोई और कलर कर देंगे और इसमें कोई और कलर कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ चेंजेस होने लगता है। तो आप इस पर काम करें और ज़रूर आप सीख पाएंगे इस तरह से। और इसमें भी ग्रेडियंट कलर है, तो इसमें भी कलर आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए अभी यहाँ पे दो कलर यहाँ पे आ गए हैं। और इसमें आउटलाइन लगाना चाहें तो आप आउटलाइन लगा सकते हैं।